हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे वर्नियर कैलिपर्स एंड अपकमिंग वीडियो में हम स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोनों ही प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आप वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज इन दोनों की रीडिंग को ईजिली मेज़र कर सकते हैं आपके लैब में। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब। तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ क्या है, नीड क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ये सारे पॉइंट्स आज हम वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आई होप आपको वर्नियर कैलिपर्स के सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्नियर कैलिपर्स का नीड क्या है? एक्चुअली वर्नियर कैलिपर्स को लाने का हमारा इंटेंशन क्या है? ठीक है, तो हम जनरली मेज़र करते हैं लेंथ को, स्मॉल लेंथ को मेज़र करते हैं किससे? मीटर स्केल से। ओके, आपने देखा होगा मीटर स्केल जनरल यूज़ में हम मीटर स्केल का ही यूज़ करते हैं, बट मीटर स्केल से आपकी जो रीडिंग है वो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, मीन्स उसमें जो स्केल होता है उसमें सेंटीमीटर में आपकी वैल्यूज़ रहती हैं और जो मिनिमम वैल्यू है वो आप 0.1 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकते हैं। किसके थ्रू? मीटर स्केल के थ्रू। ओके, बट अगर आपके पास इस तरह की कोई रीडिंग है, जैसे आपने ये मीटर स्केल लिया, ठीक है, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 मीन्स 1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब आपने एक रोड लिया है और उसको यहाँ मीटर स्केल के साइड रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है ये कहाँ फॉलो कर रहा है? देखिए, ये 5 हुआ, 6, 7, 7 एंड 8, ठीक है, मीन्स रॉड का लेंथ 0.7 एंड 0.8 के बीच में कहीं है। ठीक है, तो 0.7 के बाद में 0.71 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 9। ओके, देन फिर 0.8 हो जाएगा। तो आप ये प्रॉब्लम आप इजीली मीटर स्केल से नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, मीटर स्केल से आप डेसिमल के ओनली 1+ तक मेज़र कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, बट आफ्टर डेसिमल 2+ आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा और उसी को बोलते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो आफ्टर डेसिमल 2 digit 2+ तक आपको एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है। ठीक है, इसीलिए वर्नियर कैलिपर्स की नीड हुई और वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन इस तरह से देखा गया। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर्स के यूजेस क्या हैं? सो फर्स्ट वन इज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ राउंड एंड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी राउंड या फिर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना। ठीक है, सेकेंड वन टू मेजर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेगुलर बॉडी, जैसे ट्यूब हुआ, रेगुलर बॉडी का क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मेजर कर सकता है। टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द बीकर, ग्लास एटसेट्रा। डायमीटर यूज करना मींस आप उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं हाफ करके। ठीक है, बट एक्चुअली वर्नियर कैलिपर्स से जो आपकी रीडिंग आएगी, जो आपका मेजरमेंट होगा, वो डायमीटर में ही होगा। बट अगर आपको रेडियस चाहिए तो आप उसका हाफ कर दें तो रेडियस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूजेस हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो दिस इज अ वर्नियर कैलिपर्स एंड इन दिस डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यू कैन सी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। फर्स्ट लोअर जॉज। ओके, लोअर जॉज का काम क्या है?
आपके पास जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है या राउंड ऑब्जेक्ट है या बॉब है, उसे आप इस प्लेस पे रख दें तो लोअर जॉस की हेल्प से आप उस ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इंटरनल मेजरमेंट चाहिए तो आप अपर जॉस का यूज़ करें, ठीक है। आप होलो सिलेंडर के लिए, जैसे आपने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, तो ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये जो है ये तो क्या है, एक्सटर्नल, बट अगर अंदर इनर पार्ट का भी आपको डायमीटर फाइंड करना है तो आप अपर जॉस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपर जॉस से आपको इंटरनल मेजरमेंट मिल जाएगी। एंड डेप्थ रोड, इस रोड का काम क्या है, ये बीकर, ग्लास, इन सभी की डेप्थ को फाइंड कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। ये मूवेबल होता है, जितना डेप्थ रहेगा उस हिसाब से वो मूव करेगा, ठीक है। नाउ दिस वन, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द मेन स्केल, ठीक है, ये फिक्स होता है, मेन स्केल का रीडिंग सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। ये क्या है, मेन स्केल, एंड इसके जस्ट बिलो में आप एक स्केल और देख पा रहे हैं, दिस इज अ वर्नियर स्केल। ये क्या है, वर्नियर स्केल, एंड जनरली वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होते हैं, ठीक है, वो मेन स्केल के डिवीजन से थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। एंड इसे मूव करवा कर आप इसके रीडिंग को नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप रीडिंग कैसे नोट करते हैं और इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हम सभी इंस्ट्रूमेंट में फाइंड करेंगे, और मिनिमम लोएस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। मैन मीटर स्केल के लिए भी हमने लीस्ट काउंट फाइंड किया था, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हैं उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, उसी को बोलते हैं आप लीस्ट काउंट। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। क्या फाइंड करना है आपको, लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड करना है, ठीक है। अब लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल, जो मेन स्केल होता है, ये सपोज हम मेन स्केल है हमारा ये, ठीक है, इसमें कितने डिवीजन होते हैं, जीरो से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का हमने मेन स्केल बनाया, ठीक है। एंड इसके लोअर साइड में क्या होता है, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द केस में, जनरल केस में, वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल होते हैं, ठीक है। मीन्स ये आपका वर्नियर स्केल है, ये क्या है, वर्नियर स्केल, शॉर्ट में हम VS लिखेंगे, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न, 9 डिवीज़न, मेन स्केल के 9 डिवीज़न में कंप्लीट हो गए। आपको बस ये वाली बात आपको समझ में आ गई, मीन्स वर्नियर कैलिपर्स आ गया। मोस्ट ऑफ द केस में जनरली ऐसा होता है, वर्नियर कैलिपर्स का कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से बनाया जाता है कि मेन स्केल के 9 डिवीज़न, ठीक है, मीन्स 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। ये जनरल केस है आपका, ओके। यहाँ पर मेन स्केल के 9 डिवीज़न है और 10 होते होने के पहले ही वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न ख़त्म हो गए, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ से ये पता चला कि मेन स्केल का जो
लेंथ है या फिर डिवीजन है, जैसे हमने मेन स्केल का ये वन डिवीजन ले लिया, ठीक है, वन डिवीजन ये मेन स्केल का ले लिया आपने, तो मेन स्केल का जो वन डिवीजन है वो कहीं ना कहीं स्मॉल है वर्नियर के वन डिवीजन के, वर्नियर स्केल के वन डिवीजन के थोड़ा सा स्मॉल वैल्यू है, थोड़ा छोटा होगा वर्नियर का वन डिवीजन, क्लियर है, क्योंकि आपके 10 डिवीजन 9 डिवीजन में ही पहले ही फिनिश हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल के जो डिवीजन्स है वो छोटे होंगे मेन स्केल के डिवीजन से, ठीक है, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है, ये हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ये वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो अब बताइए मुझे कि लीस्ट काउंट की वैल्यू वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल के वन डिवीजन होंगे या वर्नियर स्केल के वन डिवीजन होंगे। सो दोनों ही रॉन्ग है, न तो मेन स्केल का वन डिवीजन होगा न ही वर्नियर स्केल का वन डिवीजन होगा। हमने मीटर स्केल में तो टोटल 10 डिवीजन को, 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन्स को डिवाइड कर लिया वन पार्ट में, ठीक है, वन डिवीजन में, तो वन डिवीजन की वैल्यू वहां पर आई 0.1 सेंटीमीटर। बट वर्नियर कैलिपर्स में क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू मीन्स लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल डिवीजन वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, क्लियर है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, और यहाँ वर्नियर कैलिपर्स के केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू न तो मेन स्केल का वन डिवीजन है और न ही वर्नियर स्केल का वन डिवीजन है। वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दोनों का डिफरेंस जो है वही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और उसी को आप कहेंगे लीस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ हम लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या कहें, वन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, MSD, MSD का फुल फॉर्म क्या है, मेन स्केल डिवीजन, ओके, माइनस यहां लीस्ट काउंट वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मैंने शुरू में ही कहा था कि मेन स्केल डिवीजन का मेन स्केल डिवीजन हमें सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन हमें सेंटीमीटर में गिवन है, बट वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि वो किस यूनिट में गिवन है आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या करें हम, ये प्रॉब्लम हो गई। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसका कि हम वर्नियर स्केल डिवीजन मीन्स ये वाला जो पार्ट है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेन स्केल डिवीजन में, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम मेन स्केल डिवीजन में, ओके। तो अभी जस्ट हमने कहा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू होता है 9 मेन स्केल डिवीजन, ओके, ये अभी जस्ट मैंने यहाँ पर कहा। तो आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, ठीक है। तो आप ये जो वैल्यू है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो आपके पास इजीली मेन स्केल डिवीजन में वैल्यूज आ जाएंगी और सेंटीमीटर में वैल्यू होंगी, तो उससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस यहाँ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन हुआ, ठीक है। नाउ 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन हो जाएगा, दोनों में सेम है, ओके, यहाँ 1 कॉमन एंड -9/10 एलसीएम लेंगे, सो मेन स्केल 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 होगा, 10-9/10, 1 मेन स्केल
डिवीजन इनटू यहाँ 1/10 हो जाएगा। अब देखिए वन मेन स्केल डिवीजन हमारा सेंटीमीटर में है और वन डिवीजन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, बट अपॉन 10, सो यहाँ अपॉन 10 हो जाएगा, सो 0.01 सेंटीमीटर, या फिर इसे ही आप 0.001 मिलीमीटर कह सकते हैं। तो ये आपका हुआ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो होगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लीस्ट काउंट हुआ आपका। नाउ अब हम रीडिंग कैसे नोट करें, ये तो आपके पास लीस्ट काउंट ही आया है, मिनिमम वैल्यू ही आई है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ही आई है, बट अभी रीडिंग बाकी है। अभी आपने जो बॉब या जो सिलेंडर जॉस के लोअर जॉस के बीच में लगाया है उसकी रीडिंग कैसे नोट करते हैं। ओके, सो रीडिंग नोट करने के लिए उसका भी एक फॉर्मूला है, रीडिंग टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल की वो रीडिंग लेनी है जो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले हो, ठीक है, मीन्स जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। अभी मैं डायग्राम बना के उसको क्लियर कर दूंगी। एंड वर्नियर स्केल रीडिंग में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, विथ द मेन स्केल, क्लियर। अब देखिए ये जो आपका जो टोटल रीडिंग है ये फॉर्मूला है, अब इसे कैसे करेंगे तो आप एक एग्जांपल के थ्रू इस टोटल रीडिंग को ले सकते हैं, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल आपका ये है मेन स्केल, ये क्या है आपका मेन स्केल, ओके, यहाँ आपने जीरो से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5 वन सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ओके। सपोज आपने वर्नियर स्केल को स्लाइड किया और वर्नियर स्केल स्लाइड हो गया इस प्लेस पर, ठीक है, वर्नियर स्केल स्लाइड हुआ है यहाँ पर इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, यहां पर, ठीक है, ये वर्नियर स्केल के डिवीजन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 10 डिवीजन्स, ये आपका वर्नियर स्केल है, क्लियर। अब रीडिंग आपने टोटल रीडिंग कैसे नोट किया, तो टोटल रीडिंग इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट आपको मेन स्केल रीडिंग लेना है, तो मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले मेन स्केल पे कितने डिवीजन हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 है और 2 के बाद ये जो वैल्यू है 2 के बाद 1, सो 2.1 हुआ आपका, ठीक है, ये 2.1 के बाद में आपका वर्नियर स्केल आ जाता है, तो जीरो के पहले जो मेन स्केल रीडिंग है आपको वो यहाँ पर नोट डाउन करनी है, सो 2.1 सेंटीमीटर, ओके, एंड प्लस LC लीस्ट काउंट इस मेन स्केल का या वर्नियर का आपने लीस्ट काउंट निकाला है 0.01, ठीक है, सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ द मेन स्केल। अब आपको यहाँ देखना है वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है,
तो आप देखेंगे कि ये वाला जो डिवीजन है ये कोइंसाइडिंग कर रहा है, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ डिवीजन। तो यहाँ पर जो भी डिवीजन आप कोइंसाइड करवा रहे हैं वो यहाँ पर नोट डाउन कर लें, सिक्स। ठीक है, मान लो थर्ड डिवीजन कोइंसाइडिंग होता तो यहाँ पर थ्री लिख देते, एट होता तो एट लिख देते। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करेंगे। सो 2.1 सेंटीमीटर प्लस 0.06, सॉरी यस 0.06 सेंटीमीटर। सो ऐड करिए, सो 2.16 सेंटीमीटर, ये आपका एक्यूरेट रीडिंग है, टोटल रीडिंग है वर्नियर कैलिपर्स का। बट ये रीडिंग कब होगा? जब आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं होगी। ठीक है, एरर, ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो, इनिशियली जब आप जॉस को ऐड करते हैं, मतलब जब जॉस टच होती है एक दूसरे से, जहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मेज़र नहीं कर रहे, ठीक है, उस कंडीशन में वर्नियर और मेन स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड करेंगे। अगर कोइंसाइड किया तो ज़ीरो एरर नहीं है, तो हमारा ये जो रीडिंग है वो एब्सेंस ऑफ ज़ीरो एरर है। ठीक है, बट अगर एरर हो तो क्या? ठीक है, एरर हो तब आप किस तरह से एरर को रिमूव करेंगे वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर। सो वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली टू टाइप्स के एरर होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं एरर? टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एरर एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव एरर। ओके, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर क्या होता है वो हम समझते हैं। अभी हम पॉजिटिव एरर को लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एरर क्या होगा? पॉजिटिव एरर, ठीक है, तो इस एरर में होता ये है कि जब आप मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में जब आपने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है, ओके, तब क्या होता है कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर का ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं होते हैं एंड वर्नियर का ज़ीरो शिफ्ट होता है राइट साइड में। ठीक है, मीन्स इस तरह से। ओके, ये आपका वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप ज़ीरो ज़ीरो कोइंसाइड हो रहे नहीं हो रहे, बट ज़ीरो जो है वो वर्नियर स्केल से, सॉरी, ज़ीरो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो ये वाला जो एरर है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, अब तो पॉजिटिव एरर को फाइंड करने के लिए आपको ये करना होगा, लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करना होगा कोइंसाइडिंग डिवीजन का। ठीक है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, मींस जब ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड शिफ्ट होता है तो मेन स्केल के डिवीजन का कोई एक पार्ट, कोई एक डिवीजन कोइंसाइडिंग होगा, उस डिवीजन को आपको काउंट करना है और इस प्लेस पे रखना है। ठीक है, और एलसी तो आपको पता ही है 0.01 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको पॉजिटिव एरर मिल जाएगा। ओके, एंड टोटल रीडिंग या करेक्ट रीडिंग कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव एरर आ जाए तो करेक्ट रीडिंग आपका इस तरह से लिखा जाता है, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल्स टू टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर। ठीक है, ये क्या कर दिया जाता है? माइनस। एक्चुअली पॉजिटिव एरर को भी माइनस करते हैं और नेगेटिव एरर को भी करते हैं। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरर को आपको माइनस ही करना है, बट
पॉजिटिव एरर के केस में क्या होता है कि वैल्यूज आपकी पॉजिटिव रहती है, ओके तो फॉर्मूले में आप पुट करेंगे सो टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर हो जाएगा। एंड नेगेटिव एरर में ये होता है कि एरर नेगेटिव होता है एंड माइनस करना है आपको, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों का ही आपको माइनस करना है, बट नेगेटिव एरर का जो साइन है वो माइनस में होता है, इसीलिए लास्ट में आपको ऐड करना होता है। ओके एंड यस, जैसे आपने पॉजिटिव एरर लिया है, पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मीन्स थोड़ा सा आगे खिसक रहा है, मीन्स ये वाली जो रीडिंग है आपका, ये रीडिंग माइनस करेंगे तभी जीरो जीरो के नीचे आएगा, जीरो जीरो पे कौन साइड करेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को, इतनी वैल्यू को आपको माइनस करना होगा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव में आपको लेफ्ट साइड में जीरो शिफ्ट होगा, सो इतनी वैल्यू को आपको ऐड करना होगा, क्लियर। देखिए अब हम नेक्स्ट नेगेटिव एरर की बात करते हैं, कौन सी एरर, नेगेटिव एरर, ठीक है, नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में ये होगा कि जीरो जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ हो रहा है, ठीक है, एंड मेन स्केल जीरो यहाँ है, ओके सो इस केस में आपका जो जीरो है वो इतनी रीडिंग क्या है, ऐड करना बाकी है, जीरो इतना जो रीडिंग है वो ऐड करना बाकी है, तभी जीरो जीरो पे कौन सा ऐड होगा, तो इतना रीडिंग आप ऐड कर देंगे तो टोटल रीडिंग आपका मिल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एरर में तो एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है, इसीलिए उसको माइनस करना होगा, बट नेगेटिव एरर में आपको ऐड करना होगा, ओके सो नेगेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव एरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव, साइन नेगेटिव होगा, लेस काउंट मल्टीप्लाई बाय कोसाइडिंग डिवीजन, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ओके ऑफ वर्नियर स्केल। सो करेक्ट रीडिंग क्या होगी आपकी, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल्स टू टोटल रीडिंग, ओके टोटल रीडिंग, रीडिंग एंड माइनस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नेगेटिव एरर, ओके। अब इससे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तो एग्जांपल हमने लास्ट में जो एग्जांपल लिया था या फिर अभी देखते हैं, आपका जो टोटल रीडिंग आई है आपकी, वो सपोज करते हैं हम टोटल रीडिंग है आपकी 2.17 सेंटीमीटर, ओके जो हमने लास्ट में किया था डिस्कस। अब यहाँ एरर है, अभी वर्नियर स्केल में या वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, एरर है, तो आपको ये बताना है कि एरर कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये आपको चेक करना है, क्लियर। सो आपके पास इस तरह से वर्नियर के डिविजन्स हैं, ओके 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ये वर्नियर स्केल, मेन स्केल एंड जीरो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, मीन्स ये रीडिंग या ये एरर होगी आपकी पॉजिटिव एरर, क्लियर। यहाँ तक आप डील कर सकते हैं कि पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम सपोज करते हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव एरर है ये नेगेटिव एरर, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लीजिए पहले एरर को, पॉजिटिव एरर है, ठीक है। अब क्या करना है, पॉजिटिव एरर को आपको फाइंड करना है, तो पॉजिटिव एरर होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल, तो लीस्ट काउंट है आपका 0.01 सेंटीमीटर एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन है 5, ओके
तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 0.05 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या आई, पॉजिटिव एरर। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द करेक्ट रीडिंग। सो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल्स टू टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर। ओके, टोटल रीडिंग है आपकी 2.17 एंड पीई पॉजिटिव एरर 0.05। ओके, दोनों सेंटीमीटर में है, सो आपके पास 2.12 सेंटीमीटर, ये आपकी करेक्ट रीडिंग आई। ओके, तो एरर को आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं और करेक्ट रीडिंग को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव रीडिंग हो तो नेगेटिव के लिए भी आप एक डायग्राम बना लें। इस तरह से आपने एक डायग्राम सपोज किया, ठीक है, ये ज़ीरो है, ये वर्नियर स्केल है आपका, ये मेन स्केल है, और मेन स्केल का 0, 1, 2, 3, ठीक है, अप टू 10 डिवीजन मीन्स 1 सेंटीमीटर, एंड यहाँ वर्नियर का 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इस तरह से डिवीजन ले लिया आपने। अब टोटल रीडिंग आप वही सपोज कर लीजिए, टोटल रीडिंग क्या है आपकी 2.17 सेंटीमीटर। ओके, नेगेटिव एरर, सो नेगेटिव एरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, सो माइनस लीस्ट काउंट है 0.01 एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन है 5, सो आपका आंसर है नेगेटिव 0.05 सेंटीमीटर। ओके, ये हुई आपकी नेगेटिव एरर। अब यहाँ से करेक्ट रीडिंग नोट कर लीजिए, सो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल्स टू टोटल रीडिंग माइनस नेगेटिव एरर। ओके, टोटल रीडिंग है 2.17 माइनस नेगेटिव एरर जो है वो नेगेटिव में है, सो नेगेटिव ऑफ 0.05, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 2.17 प्लस 0.05, तो ये हुआ आपका 2.22 सेंटीमीटर। ओके, 7 प्लस 5 12 1 प्लस 1 2, ठीक है, 2.22 सेंटीमीटर ये आपकी करेक्ट रीडिंग है। ओके, तो इस तरह से आप पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर हो तो करेक्ट रीडिंग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स के सभी पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रूगेज या फिर माइक्रोमीटर की बात करेंगे। स्क्रूगेज को ही माइक्रोमीटर कहते हैं और क्यों कहते हैं ये रीज़न हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।